pace on the track. Got my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. So what's up my YouTube family, welcome back to my vlog. So guys, agar aap mere channel pe video ko like kar do, comment kar do, channel ko subscribe karna mat bhulna. So guys, aap log soch rahe hoge bhai tu itne din se kidhar gayab tha, video kyun nahi aa rahe the aur kya update hai puri bike ki. To aap log mein se bahut log ne mujhe message kiya tha personally puchne ke liye kya hua hai, video kyun nahi aa rahe. To aap log ko batata hu yahan pe main. To yahan pe mere paas do project aapko bataye the maine ki mere paas ek R1M banne aaye V2 aur ye jo apna current project hai R15 V3 ki abhi hai na yahan pe complete lockdown ho chuka hai aur sare dukan band hai. To complete lockdown ho gaya hai uske wajah se kya ho raha hai ki main abhi double disc ke project pe kaam kar रहा था. तो डबल डिस वाला प्रोजेक्ट भी अपना काम मतलब बोल सकते हो कि एक हद तक हो गया था, पर एक जगह पे जाके अटक गया. आप लोगों को बताता हूं हुआ क्या है. एक्चुअली इसका जो है अपर टिकले यहाँ पे चकनट बनाना पड़ता है और साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ता है, जैसे धवल भाई ने बनाया था तो वो हम लोग को भेज रहे थे. पर वहाँ पे भी जो है कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका था, वो सारा सामान इधर अटक चुका है. और साथ ही में ये बाइक का भी जो बोल सकते हो कि इसका फोक का काम था, यहाँ पे इसका फोक मैं रिमूव कर रहा था, दोनों फोक जो है इसमें न्यू डाल रहे, तो ये भी अटक चुका है. और फेजर का प्रोजेक्ट तो पूरा साइड में ही रख दिया है मैंने. तो यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ अभी हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले. तो अपना जो है डबल डिस्क का जो मेन हब था उसको हम लोग ने आपको बताया था, हम लोग उसकी साइज़ छोटी करने वाले थे. तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका साइज़ हम लोग ने छोटी कर दिया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हब हम लोग ने बनाया था उसका अभी थिकनेस कितना कम हो गया है, अराउंड 7 mm के आसपास का होगा. और अभी ये देख सकते हो कितना ईजिली अंदर बैठ गया है और इसका जो सेंटर है वो भी आ गया है. और इसी के साथ में हम लोग ने जो है ना डिस्टेंस बनवाया है. तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके के दो डिस्टेंस बनाए जिससे व्हील जो है सेंटर में रहेगा. तो ये कुछ इस तरीके का डिस्टेंस बनाया हम लोग ने. तो ये कम्प्लीट कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख लो यहाँ पे. तो ये कुछ यहाँ पर लगेगा. और गाइज रही बात अपनी USD की, तो ये USD स्टॉक USD है. अगर आपको डबल डिस्क करना है तो आप लोग को जैसे स्टॉक USD लेना है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का. और आपको जो वो जैसा हब आप लोग को बताया उस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो वो सारा खर्चा आपको जो है ना सस्ते में हो जाएगा. अगर आपको दूसरा भी प्रोसेस होता है थोड़ा महंगा होता है, आपको जो है हब दोनों चेंज करना पड़ता है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको इंस्टॉल करते और क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे. तो गैस अभी आप लोग को बताता हूँ, अगर आप R15 V3 में डबल डिस्क का सेटअप करना चाहते हो तो उसका आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो फर्स्ट आपको जो USD सेट चाहिए रहेगा, जंपर्स KTM के ले लो, या तो आप ले सकते हो BMW के या तो बेनेली के ले सकते हो, तो किसी के भी USD आप ले लो. और उसके बाद आप लोग को डबल डिस्क करने के लिए एक हब एक मैकविल चाहिए रहेगा और दो डिस्क चाहिए रहेंगे. आप कोई भी लेप वाले के पास जाके 7 mm की प्लेट बना लेना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी. तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, तब तक के लिए आप जो है ना पूरा टाइम लैप्स देखो. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये सारी काम कर रहे हो ना, KTMs के पार्ट्स ले रहे हो, ध्यान रखना कि सारे की सारी चीज़ें ना एक ही बार में ले लो, नहीं तो आपको क्या है ना छोटी छोटी चीज़ के लिए ना बहुत दौड़ना पड़ेगा. और KTM का मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है इस टाइम पर, मतलब आफ्टर मार्केट, मतलब कोई सामान मिल ही नहीं रहा है KTM का. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo. उन्होंने यहाँ पे टोटल डबल डिस्क वाला सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हो किस तरीके से पूरा दिख रहा है. अभी जो इसका बेस यानी डाउन का काम है ना वो कम्प्लीटली हो चुका है, आप देख सकते हो कि दोनों साइड का डिस्टेंस लगा दिया हम लोग ने. और दोनों डिस्टेंस हम लोग ने जो है लेथ वाले के पास से बनाया था, तो ये इजिली दोनों बैठ गया है. और साथ ही में अभी क्या होने वाला है अपना, ये जो इस तरफ का यहाँ पे गैप आ रहा है नीचे और ऊपर दोनों थोड़ा सा, तो ऊपर जो चकनट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो गैप आ रहा है ना उसके लिए हम लोग को एक इतना सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा ताकि कि यहाँ पे सपोर्ट आ जाए उसको, नहीं तो ये क्या गड्ढे में ऊपर नीचे फेंकते रहेगा. तो ये चीज़ है. और साथ ही में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर किट लगाएंगे, ब्रेक लीवर. यहाँ पे अभी डिस्क तो लगा दिया, पर हम लोग को अभी इसको वर्किंग के लिए यहाँ पे अपने को कैलिबर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और साथ ही में जो अपना मास्टर सिलेंडर किट ऊपर वाला भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. और एक चीज़ को ध्यान में रखना है अपने को कि इसका जो ABS है ना वो भी काम करे. तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो KTM की डिस्क है और इसका ABS जो है बड़ा आएगा. तो हम लोग क्या करना है, इसमें जो ऑल्टरनेट करके R15 का ही लगाने का है रिंग, क्योंकि अगर बड़ा रिंग लगाओगे तो ABS सेंसर में एरर आएगी, मतलब ABS बताएगा तो वहाँ से एरर तो निकल जाएगा पर ABS काम नहीं करेगा. तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे R15 V3 की जो है रिंग लगानी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लैम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ABS की रिंग लगानी पड़ेगी और साथ ही में ये रहा ABS का सेंसर. तो ये सेंसर को हम लोगों को जुगाड़ मार के यहाँ पे कहीं पे लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये जगह है, शायद इसको यूटिलाइज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं इसको अपसाइड डाउन ऐसा करके, जैसा रिंग है उसकी तरफ से सेट करके. तो रिंग आप लोगों को बता दो कैसी रहती है.
तो ये ABS की रिंग रिमूव करनी है अपने को और वहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो ये टायर से ऑलमोस्ट एक उंगली के हिसाब से दूरी के ऊपर से है, तो हम लोग को भी कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ABS का सेंसर के लिए यहाँ पे दिया तो है, पर वो कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये KTM की ABS है, मतलब KTM की रिंग के हिसाब से, मतलब KTM का जो टायर है डिस्क है उसके हिसाब से पूरा ABS यूनिट है, और R15 का ABS यूनिट अलग रहता है तो वो काम नहीं करेगा उसके लिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसका जो R15 का ABS यूनिट है वो इसमें लगाना पड़ेगा, यानी जो रिंग आती है वो। सो गाइस, हम लोग ने अभी डबल डिस्क का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर किट और जो सा क्लच लीवर लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है, जैसे हम लोग को इसको इंस्टॉल करने का है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि पूरा जो डिस्क है ना वो वर्किंग होना चाहिए, मतलब दोनों जो डिस्क है वो डमी नहीं रहना चाहिए दूसरा वाला। तो ये इसको अच्छे से फिक्स कर लेते हैं, पूरा अंदर जाएगा। तो जब तक हम लोग इसको पूरा फिक्स करते हैं, आप लोग जो है पूरा टाइम लैप्स देखो। Yeah, you know, I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. तो गाइस, हम लोग ने यहाँ पे ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर किट और क्लच लीवर दोनों इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग ने खाली क्लच लीवर का वायर लगा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ABS के लिए हम लोग ने यहाँ पे पाइप दे दिया है। अभी इसमें प्रेशर नहीं लगाया है और साथ ही मैं इसमें फ्लूइड भी नहीं भरा है क्योंकि अभी है नहीं, मार्केट सब बंद है। तो ये सारा काम जो है कल होएगा। तो आज का पूरा अपडेट यही था, हम लोग ने जो है डबल डिस्क वाला सेटअप पूरा आज कंप्लीट किया, साथ ही में ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर किट लगा दिया, और इसमें जस्ट मेरा पुराना वाला एग्जॉस्ट लगाया जो एक्रा पॉइंट का था। तो आप देख सकते हो कंप्लीट किस तरीके से पूरी बाइक अभी का क्या लुक आ रहा है, और डबल डिस्क लगने के बाद बाइक का फ्रंट लुक देखो कितना मस्कुलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाइक बहुत हैवी है। जैसे तो ड्यूअल डिस्क वाला सेटअप कितना मस्त लग रहा है दोनों, और USD लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इतना इजीली नहीं बैठता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, देख रहे हो कितना ज़्यादा है, चकनट लगने के बाद भी यहाँ पे एक उंगली से ज़्यादा का डिस्टेंस है, और नीचे पूरा कंप्लीट आ चुका है। हम लोग को खाली यहाँ का जो है डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये था आज का वीडियो, और आप लोगों को मैंने बताया डबल डिस्क का पूरा सेटअप और क्यों काम में डिले हो रहा है अभी आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि मतलब मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रहा था और बीच में मैंने गुल्ली मार दी थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान है ना सब कुछ डिले हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, लेप मशीन वाले बंद है, कलर वाले बंद है, मतलब सारा काम है ना अटका हुआ है, सब कुछ फ्रीज हो गया है। तो गाइस अभी से होप करेंगे कि जो भी सारा काम है ना सुमड़ी में निपटा ले, और करते इस वीडियो में मिलते हैं अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, पीस आउट। Oh, 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 oh